Y20 समिट में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत विश्व गुरु बनने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में महिलाएं कमर्शियल पायलट बनने में आगे हैं। युवाओं की प्रतिभा के दम पर देश को विकसित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। लेह में सिंधु संस्कृति केंद्र में आयोजित सम्मेलन में 30 देशों के 103 युवा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वहीं सम्मेलन के समापन के दौरान अनुराग ठाकुर ने विश्वास दिलाया कि इस सम्मेलन में सामने आए युवाओं के विचारों को नई दिल्ली में नेताओं के शिखर सम्मेलन में रखा जाएगा। जम्मू संभाग के पर्यटन स्थल सनासर के ग्राउंड में ट्यूलिप फेस्टिवल के मौके पर कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग PDA जिला प्रशासन रामबन के सहयोग से आयोजित फेस्टिवल का पर्यटकों ने खूब आनंद लिया। वहीं पंजाबी और डोगरी गायकों ने अपनी छाप छोड़ी। यहां एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आयोजन किया गया। इस दौरान DC रामबन मसरतुल इस्लाम ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उनके साथ जॉइंट डायरेक्टर सुनैना, डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल जब्बार, PDA के CEO शेर सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद थे। सैयद मोहल्ला हाजिन कस्बे के निवासियों ने नगर पालिका हाजिन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लगातार बारिश के कारण हमारे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसकी वजह से हमें काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। यहां पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के कारण हमारे क्षेत्र में पानी भर जाता है। कई बार नगर पालिका समिति से अपील की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अब 2 करोड़ रुपए बचे हुए ड्रेनेज सिस्टम के लिए दिए गए हैं, परंतु धीमे और सुस्त कार्य की वजह से लोग चिंतित हैं। उपजिला अस्पताल बनिहाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ एवं आम जनता के साथ साथ रेड क्रॉस सोसाइटी के स्वयं सेवकों ने भी रक्तदान किया। इस कैंप में करीब 40 लोगों ने रक्तदान किया। पूर्व में भी इस तरह के शिविर अस्पताल में आयोजित होते आ रहे हैं और इस बार भी BMO बनिहाल ने इसे जारी रखा और लोगों ने इस शिविर में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस मौके पर SDM बनिहाल ने उपजिला अस्पताल में श्रद्धांजलि देकर रक्तदान करने वालों को बधाई दी। यूटी जम्मू कश्मीर में नशा व नशीले पदार्थों का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा इसके खिलाफ बड़े स्तर पर नशे को तस्करों को पकड़ा जा रहा है, अभियान चलाए जा रहे हैं, परंतु फिर भी ये कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। ये सब पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है। ड्रोन द्वारा नशीले पदार्थ गिराकर युवाओं को इस दलदल में धकेला जा रहा है। इसी क्रम में गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के छात्रों ने नशा जागरूकता रैली आयोजन कर आम जनता व युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम का 100वां एपिसोड आज प्रसारित होगा। इस खास मौके पर माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मन की बात ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, स्वच्छता और अन्य मुद्दों पर विकास के क्षेत्र में जागरूक किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुमुनाबाद, बेलागावी और विजयपुरा में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अस्थिर सरकारों के दौरान राज्य में कर्नाटक को बहुत नुकसान पहुंचा है। कर्नाटक जैसे समृद्ध महान परंपरा वाले राज्य में अस्थिर सरकार के कारण यहां के युवाओं के सपने चूर चूर हो गए। कर्नाटक को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भाजपा ही एक स्थिर और मजबूत सरकार दे सकती है। जमियतुल उलेमा इसना आचार्य कारगिल लद्दाख ने कारगिल में मजलिस जुलूस इन हिदाम ए जन्नत उल बाकी का आयोजन किया। जुलूस इसना आचार्य चौक कारगिल से शुरू होकर खुमैनी चौक, लाल चौक होते हुए इनकलाब मंजिल कातिलगा ए हुसैनी कारगिल पर समाप्त हुआ। जुलूस का नेतृत्व शेख नजीर उल मेहदी मोहम्मदी अध्यक्ष AJUIA के द्वारा किया गया।